शास्त्रों में राम के दो पुत्र दिखाए, शास्त्रों में राम के दो पुत्र दिखाए, राम का दो पुत्र दिखाए, नौ और तीस, और उतना ही युद्ध उनके साथ दिखाया। शंकर का राम का युद्ध, राम का युद्ध, राम का युद्ध दिखाया है। शिव एवर प्योर, शिव आता है मुकरर तन में, उसे आप समान बनाता है। जो बाप समान बनता है वो बाप के समान है या कभी है कभी नहीं है या सदा काल है? है सदा काल नहीं है? ग्रेड कम है या शिव बाप समान है? है ग्रेड कम है, उसके बाद उस दो नंबर से जो तीसरे पीढ़ी पैदा होगी वो कम पावरफुल होगी कि ज्यादा पावरफुल होगी? इसलिए शिव का बच्चा राम और राम का बच्चा लव, लव अर्थात प्यार, इंद्रियों से ही प्यार किया जाता है इस दुनिया में। इसलिए इंद्रियों से प्यार करने में जो पावरफुल बना उसका नाम रख दिया गौतम। गौ माने इंद्रियों, इंद्रियां, तम माने श्रेष्ठतम, इंद्रियों का सुख भोगने वाले ऋषियों में जो श्रेष्ठतम था उसका नाम रख दिया गौतम, माना इब्राहिम की बीज रूप आत्मा, वो हो गया लव। और कुश माने कांटा, संसार को कांटे के समान दुख देने वाला वो दूसरा पुत्र कौन सा धर्म है? क्रिश्चियन धर्म, वो हो गया कुश। इसलिए चार धर्म है मुख्य, उनमें जो देवी देवता सनातन धर्म है उसका मुखिया तो हो गया राम, और उसकी सहयोगिनी शक्ति हो गई सीता। सीता माने ठंडी, शीत, ठंडे दिमाग वाली या गर्म दिमाग वाली? ठंडी। और राम सूर्य है या चंद्र है? सूर्य है, वो है गर्म। झाड़ के चित्र में दाई ओर के धर्म भारतीय धर्म और बाई ओर के धर्म विदेशी धर्म, गर्म कौन से हैं और नरम कौन से हैं? है इस्लाम, क्रिश्चियन और मुस्लिम कैसे हैं? गर्म मिजाज के हैं। और बौद्ध, सन्यासी, ठंडे मिजाज के हैं। तो ठंडे मिजाज वालों की पैदाइश ब्रह्मा से, ब्रह्मा माने चंद्रवंश, ठंडा। और लव कुश की पैदाइश गर्म से, सूर्य से।